हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं रूफ कवरिंग मटेरियल। रूफिंग के बारे में आपने ट्रसेस को देखा, दैट इज द रूफिंग, बट उसको कवर करने के लिए जो मटेरियल यूज होता है वो कहलाता है रूफ कवरिंग मटेरियल। अब ये जीआई शीट भी हो सकता है, टाइल्स भी हो सकता है, इनके क्या स्टैंडर्ड्स हैं और नंबर ऑफ शीट्स कैसे निकालते हैं वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले। पहले आजकल तो चूंकि फ्लैट स्लैब यूज होने लगे हैं, फ्लैट होते हैं सारे स्लैब, आरसीसी के स्लैब बनते हैं, तो रूफ कवरिंग मटेरियल्स कम यूज होते हैं। लेकिन तब भी जहां पर आपके शेड्स बनते हैं, वेयर हाउसेस बनते हैं, गोडाउन्स बनते हैं, वहां पर आज भी जीआई शीट, एसी शीट या नई जो पीवीसी शीट्स आ गई हैं, प्रोफाइल शीट्स आ गई हैं, इनका यूज हो रहा है। और उनमें कितनी नंबर ऑफ शीट्स की जरूरत रहेगी, कितनी कितनी साइज की शीट अवेलेबल होती है, क्या ओवरलैप होता है, क्या साइड लैप होता है, किस तरह से इसको लगाया जाता है, आज वो हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो जब कभी भी हमारा नॉन फ्लैट रूफ होता है या टेम्परेरी रूफ होता है, वहां पर हम रूफ कवरिंग मटेरियल्स पे या तो टाइल्स यूज करते हैं। हालांकि आजकल टाइल्स का यूज बहुत कम हो गया है क्योंकि एडवांसमेंट हो गया है, अब शीट्स आ गई है तो शीट्स का यूज ज्यादा होता है, लेकिन पुराने समय में टाइल्स का यूज भी होता था। तो कौन कौन से टाइल्स हैं, टाइल्स मीन्स जिनको हम अपनी जनरल भाषा में खप्पर कहते हैं, ठीक है ना, और अलग अलग आपकी लोकल लैंग्वेज में कहा जाता होगा, पर लेकिन वो भी जो टाइल्स है वो भी स्टैंडर्ड होते हैं। अलाहाबाद टाइल्स, मैंगलोर टाइल्स और कंट्री टाइल्स क्या है, कितनी साइज होती है, कैसे इनको पता करते हैं, इसके बारे में भी आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रूफ कवरिंग मटीरियल। टाइल्स, टाइल्स मैंने कहा आपसे कितने तरह के होते हैं, टाइल्स तीन तरह के होते हैं, अलाहाबाद टाइल, मैंगलोर टाइल्स एंड कंट्री टाइल्स। अलाहाबाद और मैंगलोर टाइल्स का साइज फिक्स होता है, स्पेसिफिकेशन, क्योंकि ये इनका पीआई जो है वो अलाहाबाद और मैंगलोर के नाम से है, इसीलिए इसको प्लेस इंडेक्स के हिसाब से इनको नॉमिनेशन दिया गया है अलाहाबाद टाइल और मैंगलोर टाइल्स के नाम से। कंट्री टाइल जो आपके लोकल अवेलेबल है, हर जगह टाइल्स बनते हैं, गाँव में देखा होगा, गाँव में खुद के लोग अपने खप्पर बनाते हैं और अपना घर को छाते हैं, ठीक है ना, तो वो कंट्री टाइल्स लेते हैं। कंट्री टाइल्स की साइज स्टैंडर्ड नहीं होती है, केवल स्टैंडर्ड होती है साइज अलाहाबाद टाइल की और मैंगलोर टाइल्स की। अब बात करते हैं एसी शीट्स की, ये सब स्टैंडर्ड है। एसी, एस्बेस्टस सीमेंट शीट, जिसको हम सीमेंट की चादर कहते हैं। जीआई शीट, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड शीट। प्रोफाइल शीटिंग आ गई है, ये एडवांस है जीआई शीट। जीआई शीट के ऊपर पाउडर कोटिंग कर दी गई है और प्रोफाइल शीट के नाम से उसको दिया जाता है। इनके शेप भी थोड़े से चेंज है, पर स्टैंडर्ड विड्थ और लेंथ आज भी वही है। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है, पीवीसी शीट और प्रोफाइल शीट तो क्या है, एडवांसमेंट हो गया है, मटेरियल को थोड़ा सा और एस्थेटिकली और क्वालिटी वाइज थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया है। पुराने समय में एसी शीट यूज होती थी, एस्बेस्टस सीमेंट शीट और जीआई शीट, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट। जिनको हम लोहे की चादरें कहते हैं वो है जीआई शीट, जिनको हम सीमेंट की चादरें या सीमेंट शीट कहते हैं वो कहलाती है एसी शीट। क्या इनकी साइज होती है, क्या स्टैंडर्ड विड्थ होती है, क्या ओवरलैप किया जाता है, क्या शेप होते हैं, आइए देखते हैं। बात करते हैं जीआई शीट की, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स। इसकी स्टैंडर्ड लेंथ में अवेलेबल रहती है ये 1.10, 2.20 मीटर, 2.5 मीटर, 2.8 मीटर एंड 3.2 मीटर, इस स्टैंडर्ड लेंथ पर ये अवेलेबल रहती है। फिर से ध्यान रखिएगा, 1.1 मीटर, 2.2 मीटर, 2.5 मीटर, 2.8 मीटर एंड 3.2 मीटर। जनरली 2.5 मीटर शीट अवेलेबल रहती है, 2.2 अवेलेबल रहती है, लेकिन इन साइजेस में भी शीट्स आती है स्टैंडर्ड साइज। पिच, पिच मींस द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ कॉरुगेशन। ये जो कॉरुगेशन है इसके, ये आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, इन कॉरुगेशंस की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी होती है, 7.5 सेंटीमीटर। डेप्थ ऑफ कॉरुगेशन क्या होता है, जो ये डेप्थ है, एक कॉरुगेशन की डेप्थ, एक पनाली जो रहती है उसकी डेप्थ होती है 18 एमएम यानी 1.8 सेंटीमीटर। ओवरलैप, दो तरह से ओवरलैप होता है, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना, तो या साइड पर हम, तो वर्टिकली जो होता है उसको हम 15 सेंटीमीटर का ओवरलैप लेते हैं, और जो साइड लैप होता है वो इसका जस्ट आधा होता है, 7.5 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखिएगा, ओवरलैप मींस 15 सेंटीमीटर और साइड लैप 7.5, जस्ट हाफ।
स्टैंडर्ड विड्थ क्या होती है जीआई शीट की? स्टैंडर्ड विड्थ होती है जीआई शीट की 80 सेंटीमीटर। किसी भी लेंथ की शीट होगी पर उसकी जो विड्थ होगी वो 80 सेंटीमीटर की ही होगी, इसको ध्यान रखिएगा। द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ जीआई शीट इज 80 सेंटीमीटर। मैंने अभी आपको जब स्टील ट्रस पढ़ाया था तब मैंने बात की थी आपसे बीडब्ल्यूजी की, ब्रिटिश वायर गेज। ब्रिटिश वायर गेज क्या है? थिकनेस को डिफाइन करते हैं। तो 24 बीडब्ल्यूजी का मतलब होता है 0.559 mm, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये नंबर जो होता है ना अपन कहते हैं गेज, जितना कम होता जाता है थिकनेस उतनी बढ़ती जाती है, और गेज जितना बड़ा होता है थिकनेस उतनी कम होती जाती है, ये ध्यान रखिएगा। सामान्य भाषा में आपने सुना होगा, आप जब भी कभी स्टील का सामान लेते हैं अलमारी या पेटी वगैरह, तो उसमें ये बोलते हैं कि भाई कम गेज की देना। कम गेज मतलब उसकी थिकनेस ज्यादा होगी, ज्यादा गेज मतलब थिकनेस कम, ध्यान रखिएगा। ये क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जीआई शीट के। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन एस्बेस्टस सीमेंट शीट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एसी शीट। इसकी स्टैंडर्ड लेंथ क्या होती है? 1.5 मीटर, 1.7 मीटर, 2 मीटर एंड 2.35 मीटर। स्टैंडर्ड विड्थ, इसकी स्टैंडर्ड विड्थ जीआई शीट की 80 सेंटीमीटर, इसकी स्टैंडर्ड होती है 1.05 मीटर। ये थोड़ी साइज में बड़ी होती है, एसी शीट बड़ी रहती है और जीआई शीट छोटी रहती है। जीआई शीट की स्टैंडर्ड विड्थ कितनी है? 80 सेंटीमीटर। इसकी स्टैंडर्ड विड्थ कितनी है? 1.05 मीटर, ये ध्यान रखिएगा। ये दो तरह की आती है, फुल्ली कॉरिगेटेड और सेमी कॉरिगेटेड। जो फुल्ली कॉरिगेटेड है उसको कहते हैं बिग सिक्स। ये देखिए यहाँ इसकी इमेज बनी हुई है, बिग सिक्स क्यों कहा जाता है? इसमें जो ये होते हैं ये छह होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें छह प्रणालीज बनी होती है, इसलिए इसको बिग सिक्स कहा जाता है। इसी का एक पाक और टाइप होता है ट्रेफर्ड। ट्रेफर्ड सेमी कॉरिगेटेड कहलाता है, उसमें तीन होते हैं। ये एक इमेज मैंने देखी है, एग्जैक्टली वही इमेज तो नहीं है, ये थोड़ी सी और लंबी होती है ऐसे, फिर घूम के फिर सीधा, पर पैटर्न उसका वही होता है। तो ये है आपकी बिग सिक्स और ये है आपकी ट्रेफर्ड। तो बिग सिक्स यानी कि फुल्ली कॉरिगेटेड, ट्रेफर्ड यानी कि सेमी कॉरिगेटेड। बिग सिक्स की बात करते हैं, बिग सिक्स में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ कॉरिगेशन यानी कि पिच क्या होता है? 14.5 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ कॉरिगेशन पर शीट 7 होते हैं, ठीक है ना। अगर आप यहां से गिनना शुरू करेंगे तो 7 मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नंबर ऑफ कॉरिगेशन कितने होते हैं? 7। डेप्थ ऑफ कॉरिगेशन कितना होता है? 4.8 सेंटीमीटर। इसकी डेप्थ 4.8 सेंटीमीटर यानी 48 mm। एंड लैप 15 सेंटीमीटर, इसको वर्टिकल लैप कहते हैं। साइड लैप 4 सेंटीमीटर मिनिमम, मतलब कि एक उसका जो शीट है वो तो ऊपर उसका कवर हो ही जाना चाहिए मिनिमम, वैसे उससे आप अधिक भी दे सकते हैं। 4 सेंटीमीटर इज मिनिमम, इससे अधिक भी आप ओवरलैप कर सकते हैं, पर 4 सेंटीमीटर से कम का ओवरलैप नहीं करेंगे, नहीं तो प्रॉपर फिक्सिंग नहीं होगी। एटलीस्ट इसके 2 या 1 कवर होने चाहिए कॉरुगेशन, तब ये कवर करता है। ट्रेफोर्ड स्टैंडर्ड लेंथ वही होती है जो कि फुल्ली कॉरुगेटेड शीट की होती है। क्या है फुल्ली कॉरुगेटेड शीट की? है ना, वही 14.5 सेंटीमीटर। स्टैंडर्ड लेंथ वही है 1.5, 1.75, 2, 2.35। विड्थ 1.10 मीटर। नंबर ऑफ कॉरुगेशन 3 पर शीट, एक में 3 होते हैं। एंड लैप 15 सेंटीमीटर का, साइड लैप 8.5 सेंटीमीटर का, या कम से कम 1 कॉरुगेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, एक कॉरुगेशन एक प्रणाली को एटलीस्ट कवर करना चाहिए, तब जाके प्रॉपर शीट बैठती है, नहीं तो वो शीट में गैप आ जाता है और फिर उसको फिक्सिंग करने का प्रॉब्लम होता है। इस कारण से ये ध्यान रखिएगा कि मिनिमम 8.5 सेंटीमीटर या 1 कॉरुगेशन, इससे आप अधिक ले सकते हो पर इससे कम नहीं ओवरलैप होने चाहिए। एंड लैप 50, साइड लैप 8.5। टाइल्स, इलाहाबाद टाइल्स की साइज जो होती है वो पर स्क्वायर मीटर में 12 नंबर्स आते हैं, और मैंगलोर टाइल्स उससे थोड़ा सा छोटा होता है, इसीलिए ये एक स्क्वायर मीटर में 16 नंबर्स आते हैं। इनको इंग्लिश भी कहा जाता है, इंग्लिश टाइल्स, यानी ये चिमनी से पके हुए रहते हैं, है ना, ये चिमनी बर्न्ड टाइल्स होते हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अगर आप पुराने बंगले देखेंगे, पुराने रेस्ट हाउस देखेंगे, ब्रिटिश पीरियड के स्ट्रक्चर देखेंगे, तो वहां पर आपको इलाहाबाद और मैंगलोर टाइल्स, जिसको कई बार सामान्य भाषा में अंग्रेजी खपरे भी कहा जाता है,
वो भी अंग्रेजी कप्पर भी जो है वो यही टाइल्स है, अलाहाबाद टाइल्स और मैंगलोर टाइल्स। तो ये ध्यान रखिएगा, पर स्क्वायर मीटर अलाहाबाद टाइल 12 आते हैं और मैंगलोर टाइल 16 आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और कंट्री टाइल की साइज स्टैंडर्ड नहीं होती है, वो लोकली बनाए जाते हैं इसलिए उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, वो साइज में बड़े छोटे हो सकते हैं इसलिए उनकी साइज यहाँ पर नहीं दी गई है। आइए एक नंबर ऑफ शीट्स निकालने का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसमें एक सिंपल सा फार्मूला होता है वो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप नंबर ऑफ शीट्स निकाल लेंगे। तो प्रॉब्लम जब पूछी जाती है तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि भाई यही नंबर ऑफ शीट्स अवेलेबल है। हालांकि जब आप मार्केट में जाएंगे अपने फील्ड प्रैक्टिस के लिए तो मार्केट में तो हर साइज की शीट अवेलेबल है, तो आप उस हिसाब से परचेस कर लेंगे तो ज्यादा कठिन नहीं रहेगा। पर क्या कहते हैं कि वो यहाँ पर नंबर ऑफ शीट्स का रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं कि ये साइज की शीट अवेलेबल है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर इस पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि रूफ कवरिंग ऑफ अ वर्किंग शेड, किसी शेड वर्किंग शेड का 12 मीटर बाय 21 मीटर है, 12 मीटर स्पान और 21 मीटर, कंसिस्ट ऑफ अ जीआई शीट, जिसमें जीआई शीट लगी है। इफ द लेंथ ऑफ स्लोपिंग साइड, ये जो स्लोपिंग साइड की लेंथ है, ऐसा रहता है ना, स्लोपिंग साइड की लेंथ है वो है 7.8 मीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शीट रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ शीट कितनी लगेंगी उस पूरे शेड को इस तरफ और इस तरफ कवर करने के लिए, 12 बाई 21 मीटर के शेड को कवर करने में कितनी शीट लगेगी। इफ, यहां देखिए कंडीशन यहां दी, इफ ओनली 2.5 मीटर एंड 2.8 मीटर साइज ऑफ शीट्स आर अवेलेबल, केवल बाजार में 2.5 मीटर और 2.8 मीटर, 2.5 मीटर और 2.8 मीटर की साइज ही अवेलेबल है, इसके अलावा और कोई शीट अवेलेबल नहीं है, तब नंबर ऑफ शीट कितनी कितनी लगेगी। क्या क्या दे रखा है, size of shed 12 by 21 meter, sloping length 7.8 meter, assuming bearing of wall, हम assume कर लेते हैं bearing of wall 15 centimeter 0.15 meter, standard width of GI sheet कितनी होती है 80 centimeter, हम अभी देख ही चुके हैं। यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, size क्यों दे रहे हैं, आपने देखा कितनी sheet लगानी है, अरे बहुत आसान है, 2.5 और 2.5, 5 और 2.8, 7.8, बच्चे सीधा ही जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, बोले 2.8 की एक और 2.5 की और 2.5 की दो, कितना हो जाएगा, एक 2.5 की हो गई, तो दूसरी 2.5 की हो गई 5, तीसरी कितनी हो गई 2.8, 7.8, गलत, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। आपने ओवरलैप तो लिया ही नहीं, जब तक आप ओवरलैप नहीं लेंगे तब तक कैसे होगा, और नंबर ऑफ रोज निकालना है स्लोपिंग में, कितने नंबर ऑफ रोज है, ये गलती होती है प्रॉब्लम पढ़कर, तो ये गलती मत कीजिएगा, ऐसी लेंथ दे रखी होती है जो कि कंफ्यूज कर देती है कि 7.8 बड़ा आसान है, 2.5 2.5 की दो और एक 2.5 2.8 की एक, तो 7.8 हो गया, लेकिन बच्चे यहाँ ओवरलैप भूल जाते, ये गलती मत कीजिएगा। तो ओवरलैप नहीं भूलना है, ओवरलैप हमको करना पड़ेगा, पहले नंबर ऑफ रोज निकालते, कैसे निकलेगा नंबर ऑफ रोज ये देखते हैं। नंबर ऑफ रोज के लिए लेंथ निकालना पड़ेगी, 21 है क्लियर, प्लस हमें बियरिंग निकालना है, बियरिंग हमने कितना अज्यूम किया है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर दोनों तरफ, सो 21 प्लस 2 इंटू 0.15 एंड 15 कितना हो गया 21.3, ये टोटल लेंथ हो गई। इस लेंथ के लिए हमको नंबर ऑफ रोज निकालना है, ये लेंथ हो गई नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज का फार्मूला है लेंथ माइनस स्टैंडर्ड विड्थ अपॉन स्टैंडर्ड विड्थ माइनस ओवरलैप प्लस 1। ओके लेंथ ये निकाली 21.3, स्टैंडर्ड विड्थ 80 सेंटीमीटर, स्टैंडर्ड विड्थ 80 सेंटीमीटर, ओवरलैप 15 सेंटीमीटर, कितना है ओवरलैप 15 सेंटीमीटर, हमने पहले ही पढ़ रखा है। चलिए तो लेंथ हो गई 21.3, इसमें से हमने स्टैंडर्ड विड्थ माइनस की अपॉन स्टैंडर्ड विड्थ माइनस 0.15 प्लस 1, 32.5। अब 32.5 तो हो नहीं सकती है, तो हम हायर साइड जाते हैं, मान लीजिए अगर 32.1 आ रहा है तो हम ओवरलैप में एडजस्ट कर देंगे, लेकिन 0.5 आ रहा है तो हम हायर साइड जाएंगे, तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई 33। ये क्या है नंबर ऑफ रोज 33, इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, तीन शीट्स लगेंगी मान लीजिए, अब वो साइज हमने देख लिया, हमको समझ में आ रहा है ओवरलैप करेंगे हम, तो 2.8 की दो लगाएंगे और 2.5 की एक लगाएंगे, और ऐसी ये देखिए 2.8 की एक लगेगी फिर दूसरी लगेगी, इस तरह से नंबर ऑफ रोज होंगी 1, 2, 3, 4, 5, ये मैंने रेड से बनाई है, यही चीज आगे जाती जाएगी। तो कितने नंबर ऑफ रोज आए आपके, नंबर ऑफ रोज आए 33, यानी कि 33 रोज रहेंगे ऐसे 1, 2 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन।
इस तरह की रोज बनती जाएगी, 33 एक तरफ और 33 दूसरे तरफ. सो यूजिंग टू शीट ऑफ 2.8 मीटर एंड वन शीट ऑफ 2.5 मीटर, बच्चे उल्टा कर देते हैं 2.5 मीटर टू और 2.8 की वन, जब ओवरलैप करते हैं तो जगह कम पड़ जाती है. अब यहाँ पर आप ओवरलैप भी लेंगे तो भी आपकी 7.8 कवर हो जाएगी. सो एक रो में कितनी लगेंगी, 2.8 की दो, और नंबर ऑफ रोज कितनी है 33, तो 2.8 मीटर साइज की हमें कितनी शीट मिलेंगी, दो. दो क्यों लगाई है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो नंबर ऑफ टूज है ना. अब 33 एक रो में कितनी है, 33 है, नंबर ऑफ शीट कितनी लग रही है, अगेन टू. सो ये 132 लगेगी, जबकि 2.5 की कितनी लग रही है, एक. सो नंबर ऑफ शीट एक, 33 रो और दोनों तरफ लगेगी तो 66 नंबर. एक बार फिर से समझिए, 2.8 की कितनी शीट यूज होंगी, दो. नंबर ऑफ रोज 33, कितने तरफ लगना है, दो तरफ लगना है. कौन कौन से दो तरफ, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ. सो ये नंबर ऑफ रोज निकल आई, तो 2.8 की दो शीट लगना है. सपोज ये एक लग गई 2.8 की, एक ये लग गई 2.8 की, 2.5 की लग गई, तो ये कितनी लगी, 2.8 की दो, तो कितनी रोज है, 33, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. और 33 इस तरफ है और 33 इस तरफ है, इसलिए मल्टीप्लाइड बाई हमने 2 कर दिया. सो 2.8 ऑफ साइज की हो गई साइज 2 इनटू 33 इनटू 2 यानी 132 नाउ टू नंबर्स. और 2.5 की कितनी लगेगी, एक. सो वन नंबर ऑफ शीट 33 रो दोनों तरफ लगेगी तो 66 नंबर्स. तो आपको इस शेड को कवर करने के लिए कितनी शीट्स की जरूरत होगी, 2.8 मीटर की 132 नंबर्स शीट लाना पड़ेगी आपको, और 2.5 मीटर की 66 लाना पड़ेगी, तब जाके आपका 21x12 मीटर का शेड दोनों तरफ से रूफ कवर्ड होगा. तो ये प्रॉब्लम आपको अच्छी लगी होगी, इसी तरह की प्रॉब्लम आपके बुक में, आप इसको सॉल्व कीजिएगा. जो भी आपको डाउट हो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप हो या कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा. तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा. तो ये था रूफ कवरिंग मटेरियल, इसको अच्छे से पढ़िएगा, अपनी कॉपी पे नोट कीजिएगा. तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही. थैंक यू वेरी मच.